अच्छा गेट तक वहां पे 3 नंबर से और लाइन जज फैसला आता हुआ इस बार इस सिटी के फेवर में सेकंड रेफरी बहुत ही जबरदस्त के जरिए एक अलमीता हुआ एसीटी एक हो धुएं भाई अब मिलेगा 4-2 इस बार चुके और इस बार अंक मिलता हुआ खान तलब गोंडा के लिए 3-4
10 और 10 बराबर। ग्राउंड के जो साउंड है माइक महोदय, जो ग्राउंड के साउंड है उनका थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। जो ग्राउंड में साउंड रखे हैं इनका थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, अच्छा ड्रॉप बना। मुकाबला हो रहा है, दर्शकों में उत्साह की कमी है, उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। आप दर्शक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे, बेहतर खेल की आप तारीफ करें, तालियां बजाने के लिए उत्साह रहा है। उत्साह एक महान वॉलीबॉल खेल के दर्शक है, हौसला अफजाई करते रहे खिलाड़ियों। क्या बात है, अनुभव देखिए सुलेमान का। 13-11 कल हमारे बीच इसी खेल प्रांगण में तो राजस्थानी वॉलीबॉल प्रतियोगिता होगी। उत्तर प्रदेश की बहुत ही मकबूल तरीन टीमें कल यहां पर प्रतिभाग करेंगी, जिनके नाम पूरी ऊर्जा के साथ बेहतरीन वॉलीबॉल आपको देखने को कल मिलेगा। की कमी को महसूस नहीं होने दे रहे हैं बोर्ड अंदर खिलाड़ी। आरिफ साहब ने इस बार वहीं पर दबा दिया और सही फैसला आता हुआ चीफ जज मुख्य निर्णय जनाब फरहान सिद्धू साहब का। अब काम को लगातार आंजन देते हुए सिद्धू भाई वरिष्ठ खिलाड़ी है और जिला वॉलीबॉल संघ के बेहतरीन सदस्य भी है, बेहद कड़ा हो रहा है। एक एक अंक के लिए तो संघर्ष हो रहा मैदान पर। खिलाड़ी फाउल हुए, अपने आप को संभाल कर लिया पूरी सदा। खड़गेश बार ना 15-19 15-19 जंप से भाग जाते हुए उसका कारण मिलेगा। हमारे साथी कमेंटेटर जलबंधा साहब और दानिया साकिब साहब हमारे बीच मौजूद हैं और बड़ा ही जिम्मेदारी भरा काम होता है कोई भी काम हो, और जिस तरह से प्रबल और एक सकारात्मक एंकरिंग आपको
दी जाती है इस लंच से। और आप सभी लोग टूर्नामेंट का हर मैच का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं जुमानुल्लाह एमएससी यूट्यूब चैनल पर।